बरोबर पोलिसांनी काम केलं, ठराविक ठिकाणी असलेले ड्रग्स आटे आम्ही दाखवले, पोलिसांनी सहकार्य सुद्धा केले, सहा महिने बंद होते। या ठिकाणी आलेला माझा प्रत्येक वार्ड अध्यक्ष, या ठिकाणी आलेला माझा प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष, या ठिकाणी आलेले माझे प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी सर्वजण आप आपल्या विभागात जाऊन हा जो काही कार्यक्रम दिलेला आहे तो कार्यक्रम जी मोहीम यशस्वीरित्या राबवेल असं या ठिकाणी मी तुम्हाला आश्वस्त करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। देश देख रहा है कि मुंबई का जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा युवा है वो इस ड्रग कार्टेल, इस जो ड्रग माफिया के चुंगुल में फंस चुका है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने एक संकल्प लिया कि हमारा भी, हम युवाओं का भी योगदान रहेगा कि ऐसे भटके हुए युवाओं को हम इन ड्रग माफिया के चंगुल से बाहर निकाले। इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने एक हेल्पलाइन का आयोजन, हमने आज ये एक अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया है जिसके माध्यम से हमने एक हेल्पलाइन रिलीज की है लोगों के लिए, जहाँ पर भी ऐसे जो युवा जो इस ड्रग माफिया जो ट्रक पेडलर्स के चुंगुल में फंसे हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं एक अपील करूँगा आपके माध्यम से सभी युवा और उनके माता पिता को कि हमें हेल्पलाइन में संपर्क करिए, और ऐसे जो युवा जो ड्रग माफिया और इनके चंगुल में फंसे हुए उनको उनके चंगुल से बाहर निकाले काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाके करेगा। ये मुहिम कल से सभी 36 विधानसभा मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पे, सभी प्रमुख स्थानों पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी अवेयरनेस ड्राइव के नाते, ताकि हमारा हेल्पलाइन भी लोगों तक पहुंच सके और युवाओं को अवेयरनेस आ सके ड्रग्स की, ये जो जहर है इसके बारे में हम अवगत करा सके हमारे युवा वर्ग को। तो ये मुहिम सभी 36 विधानसभा में चलेगी और हेल्पलाइन के माध्यम से जो माता पिता हमें संपर्क करेंगे, हम रिहैबिलिटेशन सेंटर से टाइप जो हमने किया है वो माध्यम से हम ये बच्चों को रिहैबिलिटेशन में लेके जाके उनको निजात दिलाएंगे। देखिए, महाविकास अघाड़ी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग रैकेट मुंबई में चल रहा है तो आप समझ सकते हो, मेरा इतना ही कहना है राज्य सरकार से, ये निवेदन हम सब युवाओं का कि जल्द से जल्द ऐसे ड्रग माफिया और जो ड्रग पेडलर्स है उनको पकड़ा जाए, नहीं तो मुंबई युवा मोर्चा सभी पुलिस स्टेशन में निवेदन लेके हम आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठेंगे। जहां हमें लग रहा है कि ये ड्रग माफिया सक्षम है वहां पे अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो युवा मोर्चा एक्शन में उतरेगा। तो युवा मोर्चा के साथ देखिए, जितने भी परिवार, ये मैं आपको परिवार बता रहा हूँ क्योंकि जो जब एक युवा ड्रग्स के इस चुंगुल में फंसता है तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी अटकता है, तो जितने भी परिवार हमें संपर्क करेंगे, जितने भी ऐसे पीड़ित हैं हमें संपर्क करेंगे, वो अनगिनत हो लेकिन मुंबई का युवा उसके लिए खड़ा रहेगा, और आज नहीं 365 दिन युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उनके लिए खड़े रहेंगे।